तो वापस से स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से रीडिंग में सिखाने वाला हूँ। टूल तो देख ही चुके होंगे आप लोग, स्नैपशीट ऐप से नहीं करना, बट यहाँ पे आप लोग को जो मैंने स्केचबुक में टूल बताया वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा यहाँ पे रीडिंग सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी इन्जॉय करना लास्ट तक, एंड स्टेप बाय स्टेप देखना। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं इस इपिक ऐप में फोटो को शेयर कर चुका हूँ। एंड इपिक ऐप में फोटो शेयर करने के बाद पहले तो यहाँ पे मैं स्मूदिंग आप लोग को बता दूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाली है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो सिंपल तरीके से स्मूदिंग मैं कर रहा हूँ, एंड आप लोग भी ये स्मूदिंग यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे रिटच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप से स्मूदिंग स्टार्ट कर देना अपने फेस की। यहाँ पे देख सकते हो दो बार कर लेना आप लोग स्मूदिंग, एंड आप लोग के फेस पे स्मूदिंग हो जाएगी। होने के बाद गाइज यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख सकते हो ऑटो स्किन पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे कलर टोन पे आ जाऊँ। यहाँ पे देख सकते हो कलर टोन पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग फेस को भी कलर यहाँ पे कर सकते हो, मतलब फेस को वाइट कर सकते हो। इतना करने के बाद फिर से एक बार स्मूथ कर लेते हैं हम लोग। स्मूथ करने के बाद राइट टिक कर देंगे, एंड देख सकते हो गाइस बिफोर आफ्टर आप लोगों के सामने शो हो रहा है। एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंड यहाँ पे चिसल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देख सकते हो रेड वाले का हम लोग ल्यूमिनस जो रहेगा, यहाँ पे सैचुरेशन जो रहेगा उसको इंक्रीज कर देंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी हम लोग के फेस पे जो एडिटिंग है वो आ रही है, एंड यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है फेस। तो गाइज इतना कर लेना, सैचुरेशन माइनस कर लेना, एंड यहाँ पे अभी आप लोग को जो कलर रेंज रहेगा उसको भी माइनस कर देना होगा कुछ इस टाइप से, माइनस है सॉरी गाइज 15.5 रखना होगा। एंड यहाँ पे 5 रखने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऑरेंज वाले से बाद यहाँ पे रेड वाले पे येलो वाले पे क्लिक कर लेना। येलो वाले पे क्लिक करने के बाद ही इसका यहाँ पे माइनस रहेगा, सैचुरेशन प्लस रहेगा, एंड ल्यूमिनस जो रहेगा मतलब लाइटनेस जो रहेगी वो माइनस रहेगी। लाइटनेस माइनस करने के बाद कलर रेंज को आप लोग यहाँ पे कुछ स्टेप से कर लेना। इतना करने के बाद गाइस ग्रीन वाले ऑप्शन पे आना, एंड यहाँ पे अभी आप लोग को ह्यू माइनस कर लेना होगा, एंड सैचुरेशन प्लस कर लेना होगा, एंड यहाँ पे ल्यूमिनस जो रहेगी मतलब लाइटनेस उसको आप लोग माइनस कर लेना कुछ स्टेप से। एंड इतना करने के बाद अभी आप लोग को कलर रेंज को यहाँ पे कुछ स्टेप से 15 माइनस या फिर 14 माइनस रख लेना होगा। एंड इसके बाद डार्क ब्लू पे आना कुछ स्टेप से, इतना स्टेप कर लेना जितना मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। एंड आप लोग को जो यहाँ पे रेड टोन के साथ येलो टोन रहेगा वो आ जाएगा, देख सकते हो गाइज अभी मैं फोटो में अपने इंक्रीज कर रहा हूँ यही सब कलर टोन। तो गाइज आप लोग भी यही ट्रिक यूज करके अपने फोटो में एडिटिंग कर सकते हो रेड टोन की जो यहाँ पे मैंने दिखाई दी थी मेल में, बट यहाँ पे अभी हम लोग जो ऑरेंज टोन था उसका यहाँ पे हम लोग का येलो एंड रेड में कॉम्बिनेशन के साथ है, मिक्स है। तो गाइज इतना कर लेना आप लोग, देख सकते हो बिफोर आफ्टर अभी उनके फेस में स्मूदिंग भी हो चुकी है, एंड काफी नेक्स्ट लेवल की स्मूदिंग हो गई है। एंड कहीं मैं यहाँ पे कोई भी ऐप यूज नहीं कर रहा हूँ, बट एक ऐप है उसके बारे में बता दूँ, इपिक ऐप है, इसके अंदर ही हूँ मैं। एंड यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से एडिटिंग करके मैंने इस ऐप से दिखाई है आप लोग के सामने। एंड आप लोग भी ये ट्रिक यूज करके अपनी फोटो को इंटरेस्टिंग कर सकते हो, एंड अगर वीडियो पूरी वॉच करोगे तो और भी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे अभी आप लोग इतना कर लेना। इतना करने के बाद अभी आप लोग को आगे का स्टेप मैं बताता हूँ क्या करना है। तो अभी सिंपली से अभी आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो मेकअप वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हो मेकअप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना। एंड यहाँ पे आप लोग का लिप्स का जो कलर चेंज रहेगा उसको भी यहाँ से कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इसका आइज का भी कलर यहीं से चेंज कर सकते हो। तो पहले हम लोग लिप्स कलर चेंज कर लेते हैं, एंड कुछ स्टेप से देख सकते हो लिप्स पे हम लोग का कलर आ गया है, एंड काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है लिप्स कलर। एंड यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डार्क इफेक्ट नहीं है, बट फेस जो था हम लोग का वैसे ही है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर चेंज हो गया, एंड यहाँ पे फेस की एडिटिंग भी हम लोग की हो चुकी है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर सकते हो इस वाले ऐप से। अगर ऑटोडेस्क स्केचबुक को यूज करना है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे सपोर्ट बनाए रहो गाइस आप लोग का, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।